अमेठी जिले में आई फ्लू का प्रकोप काफी तेजी से फैल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर आई फ्लू के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। प्राइवेट आंखों के अस्पतालों के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में भी प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आई फ्लू के मरीज पहुंच रहे हैं। सिंह आई केयर के डॉक्टर अमरीश प्रताप सिंह ने बताया कि इस बीमारी का इलाज और मरीजों को 2 से 3 दिन लग जा रहे हैं ठीक होने में और 2 से 3 दिनों में इन्हें फायदा हो रहा है। उनका कहना है कि बस इस बीमारी से पीड़ित लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान दें और आंखों को हाथों से न छुएं, यानी छूने से ये इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर अमेठी में लोग हलकान हैं। क्या नाम है? डॉक्टर अमरेश प्रताप सिंह। डॉक्टर सर, इसमें आई फ्लू की पेशेंट की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है क्षेत्र में और आपके अस्पताल में, कैसे मरीज आ रहे हैं? इस समय आई फ्लू के केसेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल ओपीडी की बात करें तो हम डेली ओपीडी में लगभग 25 से 30 पेशेंट सिर्फ आई फ्लू के देख रहे हैं, या ये बोलें कि लगभग मोर देन 50% पेशेंट जो हैं वो सिर्फ कंजक्टिवाइटिस के आ रहे हैं। अगर कारण की बात करें कि क्यों ऐसे हो रहा है, तो एक तो मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है, तो एक कारण ये समझ में आ रहा है कि इसकी वजह से बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। दूसरा, कम्युनिकेबल डिजीज होने की वजह से कांटेक्ट की वजह से, कंटामिनेटेड होने की वजह से और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसे स्कूलों में हम देखें कि एक बच्चे को हो रहा है तो लगभग ढेर सारे बच्चों को हो जा रहा है, एक परिवार में किसी को हुआ है तो और भी उन सब लोगों को हो जा रहा है। थोड़ी सी सुरक्षा की ज़रूरत है, कुछ सुरक्षा सावधानियाँ बरतें और कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। सुरक्षा ये बरतनी है कि आंखों की साफ़ सफाई का ध्यान देना है, हाइजीन मेंटेन रखना है, सांप को साबुन से वाश करते रहना है, आई को टच नहीं करना है, इस तरीके की सावधानियां बरतनी है। और जब भी आपको लगे कि आंखों में कुछ गड़ रहा है, लाली आ रही है, सूजन आ रही है, थोड़ा सा पेन हो रहा है, इस तरीके के लक्षण इसमें आई फ्लू में शुरुआती दौर में देखने को मिल रहे हैं। और ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होने पर क्या हो रहा है कि थोड़ी सी दर्द और सूजन के साथ में कीचड़ ज़्यादा आ रहा है। तो जब भी आपको लगे कि इस तरीके से कोई भी लक्षण आपको हो रहे हैं, तो आप तुरंत आकर के अपने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें और पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। अमेठी से नाव 44 के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।